अगर कल सुबह मिस्टर सौरभ मुखर्जी कहें कि मैंने एक पिज्ज़ा डिलीवरी सर्विस शुरू की है, या फिर मैं एक ऐसा बिजनेस बनाने वाला हूँ, एक मोटेड बिजनेस जिससे मैं आपके घर तक वेजिटेबल्स पहुँचाऊँगा, तो क्या आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिनके पास डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ हों और जो ऐसा कुछ कर रही हो जो उनके राइवल्स नहीं कर पा रहे। वेलकम टू ICs। आज की इस वीडियो में मिस्टर सौरभ मुखर्जी के मार्सेलस लिटिल जेम्स पोर्टफोलियो स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे। केमिकल, फाइनेंस, लाइट इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी मार्सेलस लिटिल जेम्स पोर्टफोलियो के टॉप 5 सेक्टर्स हैं। मिस्टर सौरभ मुखर्जी के अनुसार होम फर्स्ट फाइनेंस ऐड करने का कारण था इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि 50% से बढ़ा है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2% से कम है और इसके रिटर्न रेशियोस इम्प्रूव हो सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां बढ़ रही हैं, आने वाले समय में 3 करोड़ और जॉब्स बढ़ेंगी जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा होम लोन्स लेंगे। 10 लाख तक के होम लोन मार्केट में बिग नेम्स पार्टिसिपेट नहीं करते, इस सेगमेंट को आवास फाइनेंशियर्स और होम फर्स्ट फाइनेंस जैसी कंपनीज कैटर करती है। इनके पास अच्छी तरह से कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट्स हैं और चेंजिंग टाइम से डील करने की कैपेबिलिटी है। होम फर्स्ट फाइनेंस अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की मुंबई बेस्ड कंपनी है। यह होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड होम कंस्ट्रक्शन लोन्स प्रोवाइड करती है। इसका करंट शेयर प्राइस 700 रुपीज है, ROC 95 और ROE 12% है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड IFA के लिए एक वेल्थ मैनेजमेंट कम्युनिटी है। मिस्टर सौरभ मुखर्जी का मानना है कि इंडिया की म्यूचुअल फंड स्टोरी बड़े पैमाने पर सक्सेसफुली प्ले आउट करेगी। प्रूडेंट कॉर्पोरेट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां 25,000 IFAs यानी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स है। IFAs म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस बिजनेस लाते हैं और प्रूडेंट को इसमें अपना एक स्टैक मिलता है। मुखर्जी और अन्य कई लोग म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली प्ले आउट करने के बजाय प्रूडेंट एडवाइजरी जैसे प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज लेना पसंद करते हैं। प्रूडेंट जैसे लिस्टेड और NJ जैसे अनलिस्टेड कंपनी के पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। ये म्यूचुअल फंड्स और निवेश करने वाली पब्लिक के बीच खड़े गेटकीपर्स हैं। प्रूडेंट कैपिटल का करंट शेयर प्राइस 900 रुपीज है, ROC 52% और ROE 40% है। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक हैंडल करती है। ओलियो केमिकल्स प्लांट ऑयल से बनते हैं जैसे कि पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल। यह प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स व अन्य स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने में यूज होते हैं। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज अब एक मिड कैप कंपनी बन चुकी है। इसके पास 13,000 करोड़ का मार्केट है। इसका शेयर प्राइस 4,000 रुपीज है, ROC 38% और ROE 30% है। अब हाई एंड FMCG प्रोडक्ट्स में जो इन मोल्ड पैकेजिंग देखते हैं, मोल्डटेक उसमें मार्केट लीडर है। ये लुब्रिकेंट्स, पेंट्स, फूड जैसे प्रोडक्ट्स के लिए इंजेक्शन मोल्डेड कंटेनर्स बनाती हैं। उनके पास क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम बकेट है। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स अपने मैक्सिमम प्रीमियम प्रोडक्ट्स में इन मोल्ड पैकेजिंग का उपयोग करते हैं। इसलिए जैसे जैसे पेंट इंडस्ट्री ग्रो करती है और FMCG का प्रीमियम एंड बढ़ता है, मोल्डटेक पैकेजिंग बिग पेंट्स और बिग FMCG जायंट्स के साथ नए प्लांट सेटअप करेगा। उनके पास इन मोल्ड पैकेजिंग में एक स्पेसिफिक टेक्निकल एडवांटेज है। मिस्टर सौरभ मुखर्जी ने मोल्डटेक पैकेजिंग के मैनेजमेंट को कैपिटल एलोकेशन का गेम अप करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते हुए देखा है, which is why he is convinced that this interesting small cap company has long term future. Moltec का शेयर प्राइस 912 रुपीज है, ROC 23% और ROE 19% है। मोल्डटेक पैकेजिंग फार्मा, FMCG और कॉस्मेटिक सेगमेंट के लिए नई मोल्डिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। यह अपनी फैसिलिटीज को एक्सपेंड करना चाहती है और नॉर्थ इंडिया में नया प्लांट खोलने की प्लानिंग में है। केमिकल सेक्टर के स्टॉक की बात करें तो अल्काइल अमीन्स ने नवंबर 2021 में नया एसिटोनाइट्राइल प्लांट शुरू किया है। एसिटोनाइट्राइल को फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूम्स, रबर प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, एक्रेलिक नेल रिमूवर्स और बैटरीज मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है। साथ ही इसे स्पिनिंग फाइबर्स और लिथियम बैटरीज में सॉल्वेंट की तरह भी यूज किया जाता है। ऑलरेडी एक्सिस्टिंग प्लांट्स में एलिफेटिक अमीन्स कैपेसिटी का एक्सपेंशन 3 से 3.5 बिलियन रुपये से हो रहा है। इसका करंट प्राइस 2,000 रुपये है, ROC 33% और ROE 25% है। वहीं पोषक फॉस्टजीन में एक डोमिनेंट प्लेयर है। क्लोरीन की तरह ही फॉस्टजीन भी एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। 40 साल पहले भोपाल गैस इंसिडेंट का कारण यही था, इस वजह से यह एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस है। फॉस्टजीन बनाने के लिए सरकार नए लाइसेंसेस नहीं देती है, इसलिए पोषक एक क्वासी मोनोपोली है। 2020-21 तक इसने अपनी कैपेसिटी ट्रिपल कर ली थी। मिस्टर सौरभ मुखर्जी ने इसे तब खरीदा जब इसकी कैपेसिटी ट्रिपल होने की वजह से इसका रिटर्न और कैपिटल कंप्रेस हो गया था। जैसे ही इंडियन इकोनॉमी रिकवर होगी तो इंक्रीमेंटल डिमांड फॉर फॉस्टजीन विल बी मेट बाय पोषक। पोषक को छोड़कर फॉस्टजीन का एकमात्र बड़ा मैन्युफैक्चरर एक PSU है जो कि कोई सस्टेनेबल कॉम्पिटिटर नहीं लगता। फॉस्टजीन की कैपेसिटी बढ़ाने और डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव प्लांट को चालू करने के लिए करीब 120 करोड़ रुपए स्पेंड करने की प्लानिंग है। पोषक का करंट शेयर प्राइस 7,000 रुपए है, हालांकि इसका मार्केट साइज महज 2,000 करोड़ रुपए है। इसका ROC 16% और ROE 12% है।
वहीं जीएमएम पॉडलर की बात करें तो इसकी ऑर्डर बुक्स और डोमेस्टिक क्लास लाइन रिएक्टर्स हमेशा फुल रहते हैं। बड़ौदा वापी से लेकर हैदराबाद तक क्लास लाइन रिएक्टर्स की डोमेस्टिक डिमांड है। ये सेरेमिक रिएक्टर्स होते हैं जिनमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसकी डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग है। जीएमएम ग्लास लाइन रिएक्टर्स के पास 55% मार्केट शेयर है ग्लोबली। तो ग्लास लाइन रिएक्टर से आने वाली प्रॉफिट कंपाउंडिंग हमेशा हेल्दी रहेगी। जीएमएम अब एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। इसका आधा प्रॉफिट नॉन ग्लास लाइन रिएक्टर से आता है, लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन कैसे प्ले आउट होगा यह देखने लायक है। जीएमएम फॉर्डलर का करंट शेयर प्राइस 1500 रुपए है। आरओसी 14% और आरओई 16% है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। इसके पास स्ट्रॉन्ग आरएनडी क्लीन मैनेजमेंट जैसे की ट्रेड्स हैं। ऑटो ओएम या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की रिकवरी अच्छी हुई है और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज इश्यूज अब कल की बात है। अगर ताइवान में सेमीकंडक्टर मेकर्स की बात माने तो अब कोई शॉर्टेज इश्यूज नहीं है, यानी ओएम्स को सप्लाई साइड इश्यूज नहीं फेस करने पड़ेंगे। लेकिन ऑटो एंसिलरीज की रिकवरी अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, उन्हें मार्जिन ऑफ प्रेशर के साथ डील करना होगा। तो मिस्टर सौरभ मुखर्जी के अनुसार सुप्रजित इंजीनियरिंग फिलहाल इंडियन ऑटो एंसिलरीज का बेस्ट कैपिटल एलोकेटर है। इसका आरओसी हमेशा 20 से ज्यादा ही रहता है, जो कि ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में पाना ज्यादा मुश्किल है। सुप्रजीत के पास ऑटो इंडस्ट्री में जाने वाली केबल्स और लाइट ड्यूटी केबल्स में वर्ल्ड लीडिंग पोजीशन है। सुप्रजीत ने कॉन्ग्सबर्ग लाइट ड्यूटी केबल को 42 मिलियन यूएस डॉलर्स की कीमत में एक्वायर कर लिया था। इसका करंट प्राइस 400 रुपए के करीब रहता है। इसका आरओसी 17% और आरओई 15% है। अल्ट्रामरीन एंड पिगमेंट्स ने हाल ही में एक नया सर्फेक्टेंट्स प्लांट शुरू किया है। सर्फेक्टेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस में ऐड होकर इसकी सर्फेस टेंशन बढ़ा देते हैं, जिससे ये आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं। इन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक्स को डाई करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही ये डिटर्जेंट, सोप्स और शैम्पूस में मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके अलावा ये नया पिगमेंट प्लांट भी एस्टेब्लिश करने वाली है। पिगमेंट्स को प्राइमरीली पेंट, इंक, प्लास्टिक, फैब्रिक, कॉस्मेटिक्स और फूड में यूज किया जाता है। अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स का करंट शेयर प्राइस 330 रुपीज है। आरओसी 11% व आरओई 8% है। वी मार्ट रिटेल साउथ इंडिया में सक्सेसफुली एंटर करने के लिए अरविंद फैशंस की अनलिमिटेड रिटेल चेन को 150 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है। इसका करंट प्राइस 2000 रुपए है। टार्सन्स प्रोडक्ट्स इस साल वेस्ट बंगाल में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। टार्सन्स डिस्पोजेबल प्लास्टिक लैबवेयर, सेंट्रीफ्यूज वेयर, टिश्यू कल्चर वेयर, लिक्विड हैंडलिंग सिस्टम, सेफ्टी प्रोडक्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। इसका करंट शेयर प्राइस 530 रुपीज है। आरओसी 35% और आरओई 27% है। एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का करंट प्राइस 700 रुपीज है। आरओई 18% और आरओसी 10% है। यह एनबीएफसी यूज्ड कार लोन्स, होम लोन्स जैसे रिटेल फाइनेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। गरबारे टेक्निकल फाइबर्स, पॉलीमर रोप्स, फिशिंग नेट्स, स्पोर्ट्स नेट्स बनाती है। इसका करंट शेयर प्राइस 2000 रुपीज से ज्यादा है। आरओसी 22% और आरओई 18% है। अमृतांजन हेल्थ केयर चेन्नई बेस्ड फार्मा कंपनी है। यह इंडिया के दूसरे पार्ट्स में अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड कर रही है। इसका करंट शेयर प्राइस 600 रुपीज है। आरओसी 37% और आरओई 28% है। विजय डायग्नोस्टिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एंटर कर रही है और हैदराबाद में होम कलेक्शन सर्विसेज लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके अलावा विजय डायग्नोस्टिक हैदराबाद में नया सेंटर सेटअप करने की प्लानिंग में है, जहां एडवांस्ड रेडियोलॉजी टेस्ट ऑफर किए जाएंगे। यह पिछले 40 सालों से इंडिया में डायग्नोस्टिक सर्विसेज ऑफर कर रही है। यह हेल्थ केयर फर्म 13 सिटीज में 81 डायग्नोस्टिक सेंटर्स और 11 रेफरेंस लेबोरेटरीज के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका आरओसी 28% और आरओई 26% है। करंट प्राइस है 372 रुपीज। ओवर द स्पैन ऑफ पास्ट वन ईयर मार्च 2023 तक एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज, मोल्टेक पैकेजिंग, विजय डायग्नोस्टिक सेंटर, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज और गरबारे टेक्निकल फाइबर्स मार्शलिस लिटिल चैंप्स पोर्टफोलियो के टॉप 5 परफॉर्मिंग स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। वहीं गरबारे टेक्निकल फाइबर्स, एल्काइल अमीन्स, जीएमएम फॉर्डलर, सुप्रजीत और वी मार्ट रिटेल में मार्शलिस लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो के मैक्सिमम होल्डिंग्स हैं। अमृतांजन, वी मार्ट, विजय डायग्नोस्टिक जैसे रीजनली डोमिनेंट रिटेल प्लेयर्स या B2C businesses लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो के एक्सेप्शंस हैं। क्योंकि B2B businesses के मार्केट लीडर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए मार्शलिस लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो में B2B businesses ज्यादा हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।